ये चैलेंज इतना इजी है, इसमें खा नहीं सकते वाला केक है नहीं। अनूप जैन और किंग को खा जाएगी। अब मुझे एक भी बिलबोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा बोल रही हूँ, नहीं हो रहा मेरे से। मैं तो खाऊंगी। मम्मी ने क्या फर्क पड़ा है? आई एम क्विटिंग। Good morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. So finally, I am back with the 24-hour food challenge, and आज मैं खाने वाली हूँ Billboard decides what I eat in a day for 24 hours. हाँ, ये trend काफी चल रहा है। मैंने बहुत सारे amazing creators को ये वाला content करते हुए देखा, and मैंने सोचा why not to bring an interesting 24-hour food challenge which is loaded with delicious food and fun and entertainment. Without any further ado, let's get into the video. And yeah, video start करने से पहले आपको पता है ना, क्योंकि Billboard आज खाना दे या ना दे, आप लेकिन एक काम कर सकते हो, वो है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलो अब आती है बारी मेहनत की। लेट्स सर्च फॉर सम बिलबोर्ड्स बिकॉज़ दैट विल डिसाइड आवर ब्रेकफास्ट। ओ, एक बिलबोर्ड दिखा। रुक, चलो चलो चलो, क्या है वो? क्या है? सदन सोल कहाँ है? चलो, क्या ये चैलेंज इतना इजी है? कितना जल्दी मिल गया मेरे को बिलबोर्ड। हाँ, बिलबोर्ड ही बिलबोर्ड दिख रहा है। बेबी लॉन दिखा, सदन सोल दिखा, बस दो ही दिख रहा है। एक तो मैंने देखा था, एक तो सदन सोल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सैड, वी आर नॉट ईटिंग एट सऊदी सोल समथिंग था, बिकॉज किसी ने कहा कि वो बिलबोर्ड नहीं है, सो चीटिंग हो जाएगा। बिलबोर्ड छोटा नहीं होता, बिलबोर्ड ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था, और मेरे को बिलबोर्ड में आना है। ऐसे कैसे होगा? सो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं टू हंट फॉर द बिलबोर्ड बिकॉज आई एम हंग्री नाउ। दिस इज बोर्ड बोर्ड बोर्ड, वेयर इज द बिलबोर्ड? बाबा बाबा बाबा, हा 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 हा, क्या खाना खाया सुबह से, पेट भरा हुआ है। सो ये है बिलबोर्ड, वो है एक बिलबोर्ड, पीपीटी बड़ी है हमारे ऑपोजिट रास्ते में, हम जा नहीं सकते। ये है बिलबोर्ड, इसमें खा नहीं सकते। सो चलो आगे, और थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वी नीड विंकीज का स्विस रोल, एंड ये रहा एक मैरी गोल्ड का। तो भाई मैरी गोल्ड खा चुकी हो, तो मैरी गोल्ड नहीं, विंकीज खोज सकते हैं, एंड देन वी कैन सी। कुछ सॉलिड चाहिए यू नो, पेट भरने के लिए। ये चैलेंज थोड़ा टफ है यार, इजी नहीं है इतना जितना लग रहा था। कैंडी कहाँ? विंकीज खोजने जा रहे। अरे विंकीज नहीं है, विंकीज है। विंकीज केक है, वाला केक है नहीं। सनफिश खा ले। नहीं, सनफिश नहीं खा सकते। केक खाना है भैया। अरे घूस थोड़ी ना दे रही है जो हाथ में लेके आ रही है पैसा। रिजेक्शन एट इज पीक, ऐसे करते करते मोमो का दुकान आ जाएगा। द एप्लीकेंट गॉट रिजेक्टेड। विंकीज क्यों नहीं मिल रहा है? विंकीज को घर पे लॉक कर दिया गया है, क्योंकि विंकी को रिंकी के संग पकड़ा गया है, क्योंकि हॉर्स भी नहीं है। इस दुकान में मैं बिना एक्सपेक्टेशन की गई थी, मेरे को फाइनली विंकीज मिल गया। कौन सा विंकीज लाई है ये तू? एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी। भगवान जी, मैंने बस ऐसे जाके बोली भैया विंकीज है। वो बोलेगा पहला बार नशा करते हुए। हाँ बोलो, देख रहा है और तरीके से कि विंकीज के लिए कोई ऐसे क्यों पागल हो रहा है। देखो छुटकू सा बच्चा के लिए हम लोग कितना दौड़े हैं, इतना छुटकू सा रोल 10 रुपए का। ठीक है, चेयर्स टू आवर फर्स्ट मील विंकीज। इस दो बट इससे पेट नहीं भरने वाला। ओ ये नहीं, नहीं नई गाड़ी नहीं खरीदी है, बट थिंकिंग टू बाय, सो लेट्स ट्राई। So electric vehicles are the talk of the town, and what better than Mahindra? We all know Mahindra cars are best because of its high build quality and performance. See, they are built to last and buyers are aware of this. Especially SUVs which have such premium interiors, comfortable sitting and bold heading turning designs. And right now I am inside the latest Mahindra XUV 400, their first electric SUV with new age technology. And this is quite spacious, I must say. This is the quickest car in India with single pedal drive technology and long range driving up to 456 km on a single charge. Aur ये कार 0 to 100 km/h पे जाती है 8.3 सेकंड्स में। इट हैज लॉट ऑफ कनेक्टिविटी फीचर्स लाइक स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, स्मार्ट रूटिंग प्लानिंग, चार्जिंग रिकमेंडेशन, OTA अपडेट्स, एक्सक्लूसिव ऐप एंड मोर। इट हैज द फर्स्ट इन क्लास ड्राइविंग मोड लाइक फास्ट मोड, फन मोड एंड फियरलेस मोड। इलेक्ट्रिक कार है तो काफी नॉइस फ्री भी है। दिस हैज द बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस। इट हैज लॉन्ग रेंज ड्राइविंग अप टू 456 किलोमीटर। रोड प्रेजेंस एंड ग्रिप इज गुड, सो दिस इज क्वाइट स्टेबल एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो क्वाइट लो। लगता नहीं है मेरे को आज कोई बिलबोर्ड दिखने वाला है, और लगता है हम लोग कुछ खाने भी नहीं वाले। वेल ड्राइव करके तो बहुत मजा आ गया फूड फैम। थैंक्स टू महिंद्रा फॉर पार्टनरिंग एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव दिस ऑसम इलेक्ट्रिक एसयूवी। वेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलती हूं नेक्स्ट मील में। तो लेट्स सर्च फॉर अनदर बिलबोर्ड। गोवालैंड कैसे खा सकते? 5th to 26 हम लोग है ही नहीं। तो अनूप जैन और किंग को खा जाएगी क्या? हां वही तेरा मेरा? फिर कौन सा गाना गाएंगे किंग का? तू आके देख ले मैं कितना टेस्टी हूं। ये बढ़िया था गुरु। सामने वो एक डिजिटल बिलबोर्ड है, अभी यहाँ पर लेट्स सी खाने का कुछ आ जाए प्लीज। एनकॉन नहीं चाहिए एडवर्टाइजमेंट कंपनी, इसमें हमेशा खाने का कोई ना कोई एड चलता रहता है। ओ मिलन चाइना, इतना
इतना बड़ा बिलबोर्ड है, बट ये मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि बहुत मेहनत लगेगा खोजने में। बाय बाय, आई एम गोइंग फॉर मेनलैंड चाइना। You know, I'm so, so, so happy to be eating here because this is one of my favorite brand when it comes to food in Kolkata. I just love, 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 love this brand. Orange juice. Sip onto some drinks, eat some food. So, here I have ordered Hunan prawn. This is a quite big jumbo prawn. Looks super tempting. Upar aapko dikh raha hai yahan par dry red chilies, there's spring onion, hai, there's capsicum and the sauce. So, we'll toss in Hunan sauce. So, I'll eat. In the meanwhile, I'll pass it to other people as well. So, let's dig in. Now, if I talk about Hunan ki taste, ki baat karu, this is not, you know, the chili flavor. It's a little salty and spicy. Hota hai. So, pehle ek baar taste karti hu, agar nahi hoga, toh fir I'll add the condiments. I love the prawn. I love it. I love this. You know, size mein ye log jo salad dete hain. And we have got this cabbage salad. Mere ko to ye pehle cabbage salad hi pata tha until the Korean cuisine and all got, you know, invented and then we got to know it's kimchi and all. But I still call it as Chinese salad and this is Chinese salad only. So yeah, let's dig in. Wow, look at the prawn pieces. Beautiful. You can never go wrong with this place, you know. Can never go wrong with the taste of this place. Now the next item which I'm gonna eat is, wow, this is too good. It's nice in color. This is edamame dumpling. Also, I'll just take this sesame oil wala dip on top. And little soya dip. Isme shayad cheese bhi hai. The best. The color, the presentation, the taste is so good. It's so powdery creamy, you know. And it's so mild, so savory, and garam garam aura chal raha hai muh mein jaate, it's, you know, blasting. And definitely ye rice flour ya tapioca flour se bana hua hai. I just love the jelly like structure of this outer crust, you know, outer layer. I simply love. So for the main course, I've got one smoky chicken. Hamesha chili chicken to khate hai. Ye smoky spicy chicken. Aap dekh sakte ho, iska gravy preparation is so good. I can see some chili seeds. There's garlic chili seeds, red chili flakes, spring onion, capsicum, and diced chicken pieces. Looks so tempting. So I'm gonna take a little in my plate. खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. एंड इसके अलावा वी हैव गॉट पॉट चिकन राइस. ओके, दिस इज अ नॉर्मल स्टीम चिकन राइस, जैसे नॉर्मल होता है ना. अच्छा, ये वाला तो मैंने कभी खाया नहीं. आई कैन सी स्टार इनिंग्स. इट्स सिंपल लुकिंग बट इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब माइंड ब्लोइंग. लाइक यू कैन सी सम स्लाइस चिकन पीसेस एंड इसमें यू नो फाइव स्पाइसेस दिख रहा है, लाइक स्टार इनिंग्स. आई कैन सी द स्मेल इज सो गुड, स्टीमी फ्लेवरफुल राइस. लेट मी टेक सम राइस. लेट मी टेक द ग्रेवी विद द राइस एंड लेट्स टेस्ट इट. Smoky chicken with pot rice which equally has a smoky flavor and taste. It's too good. Fried rice chili chicken chodo, try this combination, you'll love it. Agar aapne khaya hoga to theek hai, agar nahi khaya to then do try this combination. Ye main first time kha rahi hu. I simply love speciality group ka khana. The chicken is so soft and juicy. It's so good. Spicy halka sa, kafi flavorful hai. Jaise ek high piece chicken ka jaisa taste nahi hota hai, texture waisa. Very nice. So here I've got a seafood pan fried noodles, basically gravy noodles. You all know how much I love gravy noodles, but yahan ka meko zyada acha lagta hai. So iske andar hai, there is chicken, squid I can see, there's veggies mein broccoli hai, onion hai, I can see garlic, capsicum hai, you can see squid rings, there's prawn, basa meat also. So there's no chicken in it, I guess seafood hai, to fir ye sirf aur sirf loaded with veggies, prawn, squid and fish. ना इनका प्रेपरेशन का मेरे को बेस्ट पार्ट इसलिए लगता है, पता है कि यू डोंट नीड टू ऐड कॉन्डमेंट्स ऑन टॉप ऑफ इट. आप ऐसे सिंपली इसको रिलिश कर सकते हैं. दिस इज सो फ्लेवरफुल, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करके बस खाती हूँ. दिस इज अ ब्लैक पेपर प्रेपरेशन. सो नॉर्मली जो मैं ग्रेवी नूडल्स खाती हूँ उसका प्रेपरेशन एकदम अलग होता है. ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई थिंक दिस इज कुक्ड इन देयर होममेड ब्लैक पेपर सॉस. कभी अगर आप यहाँ का खाना खा भी रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं भी खा रहे हो तो इनका सिचुआन सॉस, ब्लैक पेपर सॉस, टेरियाकी सॉस, चिली सोया सॉस, बहुत सारा सॉस ये लोग खुद भी डिस्प्ले में रखते हैं अपने आउटलेट में. यू कैन बाय इट, वर्थ ट्राइंग. चैलेंज का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, आई होप एंड भी अच्छा हो. एंड चाइनीज फूड इज ऑलवेज एट इट्स बेस्ट. एंड लास्टली वी हैव गॉट द मैंगो कस्टर्ड. ये हटा दो. ओह नॉट बैड.
सॉरी मैं इसके प्रेजेंटेशन और टेस्ट में मदहोश हो गई थी. दिस इज नॉट कस्टर्ड, दिस इज पुडिंग, मैंगो पुडिंग. बिलबोर्ड का तो पता नहीं, बट ये नया रास्ता निकला विच इज अंडर पास इन कोलकाता, एकदम अपना विश्व बांग्ला के नीचे. काफी सुंदर लेन बनाया यार, वेरी ब्यूटीफुल. अभी लगा है बहुत तेज भूख और मुझे एक भी बिलबोर्ड नहीं दिख रहा. ऐसे तो इतना केएफसी का बिलबोर्ड रहता है, इतना वो रहता है, किसी का कुछ नहीं दिख रहा. कुछ तो दिख जा, एक बिलबोर्ड दिख रहा है, बट ये क्या है? स्मार्ट बाजार नहीं खा सकते. स्मार्ट बाजार से तो ये खा सकती है क्या? चिप्स. क्रोमा सामने है, क्रोमा नहीं चाहिए. ये बिलबोर्ड है और वो ये सब तो केएफसी, पिज़्ज़ा हट दिख तो रहा है, डोमिनोज. सबसे पहले क्या दिख रहा है? डोमिनोज दिख रहा है. डोमिनोज मेरे को तो डोमिनोज दिख रहा है. मेरे को तो पिज़्ज़ा हट दिखा, मेरे को सब दिख गया. मेरे को डोमिनोज दिखा, केएफसी दिखा, पिज़्ज़ा हट, सबवे, सीसीडी, सब भी दिखा. तूने सबसे पहले क्या देखा? पिज़्ज़ा हट, प्राची, केएफसी. मैंने डोमिनोज देखा. क्या टॉस करे? टॉस कर दे, पिज़्ज़ा हट, केएफसी या डोमिनोज. कॉइन दे, कॉइन दे, चूज. तुम एक ऑप्शन जा चुका है तो 50-50. मैं यूज करने वाला यहाँ पे फोन अ फ्रेंड. तुम अपना चूज किया जो तुम देखा है, वो अपना चूज किया जो वो देखी है. तो वैसे ही तो होगा, तीन में करेगी तो. केएफसी, केएफसी, केएफसी खाएंगे. तो चलो हर में बोलेगी केएफसी है. नहीं केएफसी है. ये क्या हो रहा है? केएफसी आया था ना, मैंने पहले पिज्जा हट देखा बिल्कुल. तो मेरा चैलेंज भी था, दार्जिलिंग में तो जाके खाए गए मोमो. अभी लंच हम लोग करे इतना लेट, एंड दिस इज केएफसी विच इज माई फेवरेट. अभी रिसेंट टाइम में ऐसा हो गया है दैट केएफसी आई एम सो एडिक्टेड टू. सो या तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज, क्रिस्पी चिकन और चॉकोलावा लिया हुआ है. तो अभी क्रिस्पी चिकन खाती हूँ मैं, चॉकोलावा बाद में खाऊंगी. केएफसी इज लव फॉरएवर. ओह इसकी खुशबू इज सो गुड, आई कांट टेल यू, हेवनली डिलीशियस. रीसेंट टाइम में मेरे को क्यों ऐसा हुआ है, मेरे को बहुत एडिक्शन हो गया केएफसी का. मेरे को जितना केएफसी दे दो उतना अच्छा लगता है. सो लेट मी जस्ट ईट इट नाउ. अब इसका टेस्ट क्या है बोलूं? इट्स वेरी गुड, वेरी जूसी, वेरी ऑयली, वेरी नाइस, वेरी नाइस. केएफसी फ्राइड चिकन द बेस्ट. नाउ लेट्स जस्ट ईट. देख के लग ही रहा 100 साल से कुछ खाई नहीं. बहुत भूख लगा था क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद लंच में बहुत टाइम लग गया. दुआ निकलता है मस्त आराम जो दिख नहीं रहा. तेरे को तो केएफसी क्वीन बना देना चाहिए. तेरे को वामोमो का एम्बेसडर, मेरे को केएफसी का एम्बेसडर. This is so good. Much needed. Let me try the chocolava. Whoa, not bad. Iska chocolava is not like Domino's, but aaj phir bhi acha lag raha hai. Domino's ko zyada acha hai. Still, kaam chalao type se. सो वट अगर बिट्टू भैया ने चीटिंग किया और हमने, मैंने केएफसी देखा, उसने पिज्जा देखा, मैं तो खाऊंगी. मेनू क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ तो पेट में जाना है, वॉशरूम से फ्लश आउट हो जाना है. वो अल्लाह, ये आ गया है मेरे पास पिज्जा हट. इन लोगों ने क्या क्या लिया है? गार्लिक ब्रेड लिया शायद, कॉम्बो था. जीने में पिज्जा गया था, सब कुछ मिल गया. ओके, पिज्जा हट का भी चॉकलेट, बट अभी मेरे को नहीं खाना गार्लिक ब्रेड. बहुत दिन हो गया यार क्लासिक गार्लिक ब्रेड नहीं खाया. तू भी तो नहीं है मेरे साथ, खा सकता तेरा आवाज आ सकता कोई बात नहीं. जब भूख लगता है तो क्लासिक भी अच्छा लगता है, यही बोलना चाह रही थी ना. यार ये कितने दिन बाद फास्ट फूड खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है यार. ये बाबा चिकन के नाम में सॉसेज डाल दिया. मैं तो मोमो बोला था. चिकन मोमो है, चिकन सॉसेज है. सो ये हमने लिया मोमो पिज्जा. इसमें स्पाइसी गुड सॉसेज है, कैप्सिकम है, प्याज है, मिर्ची है, और ये ब्रेड के डो के अंदर मोमो है. सो लेट्स डिग इन. इसमें मैं ना कोई केचप वेचप नहीं डाल रही, ऐसी खा रही हूँ क्योंकि ना इसका जो सॉस है वो अच्छा लग रहा है, स्पाइसी स्पाइसी.
पहले से बहुत इम्प्रूव किया यार मोमो पिज्जा। ये वाला जो सॉस दिख रहा है ना चटनी, ये मोमो चटनी है स्पाइसी वाली, बहुत अच्छी लग रही है यार, सो नाइस। मतलब हमारे सजेशन पहुंचते हैं दूर तक। हमारे नहीं, कस्टमर के, वो लोग यही मेरे को अच्छा लगता है ब्रांड के चीज, कि अगर कस्टमर का कोई फीडबैक होता है दे वर्क ऑन इट एंड दे इम्प्रोवाइज, दिस इज सीरियसली द बेस्ट पिज्जा। मोमो देखे कैसा चीज मोमो है क्या अंदर, ये एक तो लिक्विड चीज है ये और नॉर्मल क्लासिक मोमो है। ये पिज्जा केएफसी बर्गर किंग डोमिनोज सब ना आपके आउटलेट में खाना ज्यादा सही है, क्योंकि गरम गरम खाने का जो टेस्ट है ना जब डिलीवर होकर घर जाता है ना टेस्ट पूरा चेंज हो जाता है। अभी क्या इसका जो ग्लूई चीज है ना बहुत अच्छा लग रहा है, गरम गरम मोमो फ्रेश बना हुआ बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, फ्रेश, आई जस्ट लव दिस। बोल बेटू अभी डिनर के लिए तुम क्या खाना चाहता है? कुछ दिखना भी तो चाहिए पूरा रास्ता में, तो बस सिल्वान एनकॉन एडवर्टाइजमेंट नेबीचंद बबल बा इसका सोना उसका सोना खरीद लो, क्या करे सोना खाना का है। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेट्स सी आगे क्या दिखता है। मियां तनिष्क, मियां भाई तनिष्क खा नहीं सकते, बिल बोर्ड ऊपर है भाई, एक भी खाने का बिल बोर्ड नहीं लगाया ये लोग यहाँ पर। और एक बिल बोर्ड दिखा रेड का, ये कहाँ मिलेगा खाने के लिए बता, मुझे और एक दिखा मेरे से खाया नहीं जाएगा ये सब खाना, मेरे को वही खाना है उसी का बिलबोर्ड लगाओ, खाए फिटिंग। फाइनली मेरे को घूमने के बाद पता नहीं आज सिटीजन वन में मॉन्जिनी, अभी फिलहाल मॉन्जिनी से दिख रहा है, ये खाते ये जो भी है ब्रेड नहीं है ये, ये एक केक दे दीजिए ना एक। सेक्टर 5 में भी आ गए फिर भी कोई बिलबोर्ड नहीं दिख रहा है मेरे को, एक भी बिलबोर्ड नहीं दिख रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विद कोलकाता, इस मार्केट का बहुत स्कोप है, प्लीज टैप ऑन दिस सिटी। बिलबोर्ड का मार्केट नहीं होता, पैसा खर्च होता मार्केटिंग में करते। इसीलिए कोई खर्चा नहीं करना चाहता, तब से कौन खर्चा करेगा। देखो कलकत्ता में ना बिलबोर्ड्स खाने का बिलबोर्ड्स बहुत कम मिलता है, और मेरे को जो दिखा अभी तक मैंने खा लिया, आई एम नॉट फीलिंग गुड, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्लीज कुछ खिला दो, और ये चैलेंज मेरे लिए सच में सच बोल रही हूँ मेरे लिए बहुत टफ था। फूड फैम मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना फेल तो मैं सीए के एग्जाम में भी नहीं हुई जितना गंदा वाला फेल मैं अभी हुई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मोमोयाम का बिलबोर्ड देखने के लिए, अगर नहीं भी होगा मैंने तो चीटिंग करना अच्छा लगता है, तो मैंने क्या फर्क पड़ता है, और तेनू तो खाना देखना पसंद है बस। चाइना का बिलबोर्ड नहीं, इसको एडवर्टाइजमेंट ही है, अबे दुकान का बोर्ड है। This billboard is created by me. Well, billboard खोजते खोजते मेरी band बज गई, so I've come to my favorite place, Momo IM, to eat my favorite chicken prawn thukpa. ये मेरा go to go meal है whenever I'm in Kolkata. अभी काफ़ी दिन हो गए मैं इधर आई नहीं हूँ, तो सोचा आज खा लेती हूँ, because again I'm traveling after a day. And yes, ये इसका taste कैसा है वो आप इधर आओ खाओ तो अभी आपको पता चलेगा, it's very soulful. उसके बाद I tried a hangover momo. This momos are my favorite, because it's creamy, cheesy, spicy, it's very चटपटा, सो दिस आर द टू डिशेज विच इज माई फेवरेट फ्रॉम मोमो आयन। उसके बाद वी हैड चीज केक विच वॉज अगेन ओकेश, आज उतना